हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार आदाब, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज मेरा साथ भारतवर्ष का एकदम दक्षिण प्रांत कन्याकुमारी से जोड़ रहा है श्री देवसायम, एम जी देवसायम। आज वो सामाजिक कार्यकर्ता है मगर एक समय वो भारतवर्ष के स्थल सेना में इंडियन आर्मी में मेजर थे, फिर वहां छोड़ के वो आईएएस अधिकारी बन गया यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। वो 68 में, जुलाई 68 में आईएएस ज्वाइन किया और फिर 85 साल में जुलाई 85 में वहां से इन्होंने इस्तीफा दे दी। मगर आज हमारा चर्चा का विषय है आपातकालीन स्थिति। 45 साल इंदिरा गांधी का समय में आपातकालीन स्थिति है और आज क्या उसके साथ हम आज का भारतवर्ष जो नरेंद्र मोदी का सरकार चल रहे के हम तुलना कर सकते कि नहीं, यही विषय के ऊपर हम देवसायम जी से चर्चा करेंगे और साथ साथ हम उनसे भी ये भी बहुत सारे सवाल हमारा है क्योंकि वो बहुत नजदीक थे जयप्रकाश नारायण जी के साथ। इस विषय के ऊपर में मैं बात शुरू करता हूं वहीं से। देवसायम जी, आप जब चंडीगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उस समय आपातकालीन समय घोषणा किया था 45 साल पहले, जून 25 के मध्य रात में इंदिरा गांधी ने कहा कि अंदरूनी हलचल हो रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे और इसीलिए हमें आपातकालीन स्थिति है। और उस समय उनको बहुत सारे लोग समर्थन किया, उस समय पंजाब का मुख्यमंत्री ज्ञानी जेल सिंह थे और आपने पूरा बारीकी से कहानी लिखा है। मगर आपने, मैं आपका लेख पढ़ रहा था उसमें आप एक जगह में लिखा है आप किस तरह से यू ब्रीच्ड द सिविल सर्विस नॉर्म्स, यानी कि आप तो एक नौकरशाह थे, यू वर अ सिविल सर्वेंट, क्योंकि आपका जो उस समय का जो अधिनियम थे आप वो भूल के आप जयप्रकाश नारायण जी को मदद किया। इस विषय के ऊपर आप कुछ कहिए। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये है, मैं तो था आईएएस का अधिकारी, मैं था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ चंडीगढ़, बट अबव ऑल जो है मैं एक हिंदुस्तान के एक नागरिक था, एक सिटीजन था, एंजॉइंग फ्रीडम। तो फ्रीडम जो हमारा जनतंत्र है, हमारा जो हक है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो सारा एंजॉय किया हुआ एक सिटीजन था। तो 25 जून 1975 रात को जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया है कि इंटरनल इमरजेंसी से, इंटरनल डिस्टर्बेंस लॉ एंड ऑर्डर से वजह से इमरजेंसी इम्पोज कर दिया। मगर उसमें यह है कि वो प्रोक्लेमेशन से यह हुआ कि हमारा फंडामेंटल राइट सब चले गया ओवरनाइट। रात को 12 बजे इंडिया डेमोक्रेसी से लेके ऑटोक्रेसी बन गया, फ्रीडम लिबर्टी सारे खत्म हो चुका है, आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट सारे सस्पेंड हो चुका है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं सरकार अधिकारी हूँ, ऊंचा अधिकारी हूँ, आईएएस का अधिकारी हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, कोई शक नहीं है, मगर लेकिन सबसे पहले मैं सिटीजन हूँ। सरकार नौकरी से आने से पहले भी सिटीजन था और जो रिटायर होकर जाऊंगा तभी सिटीजन होगा, अभी भी सिटीजन हूँ। तो मैंने सोचा था कि सिटीजनशिप का जो मेरा जिम्मेवारी है उसको सबसे पहले आगे रखें। तो हमने जो ठीक है सरकार का जो हुक्म था, डायरेक्शन था, हम जा रहे उसको इम्प्लीमेंट किए। मगर तब 1 जुलाई जयप्रकाश नारायण को चंडीगढ़ लाया गया है और मेरे हवाला में, मेरे 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मेरे जो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो मुझे मेरा प्रिजनर बन गया, वॉज आई जी प्रिजन भी था, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मेरे हवाला में था वो। तो तब मैंने शुरू में तो उनके साथ उनको काफ़ी मैंने सुना हुआ था 1942 में इंडियास वो अपना जो क्विट इंडिया मूवमेंट में उनके वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट आगे चला। तो उसके बाद भी जेपी मूवमेंट 2 साल से चल रहा था और जो मेन उनका था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे और ऑटोक्रेसी के साथ आवाज़ उठा रहे थे, मैं उनके बारे में जानता था। मगर मैं
इमेजिन नहीं किया कि वो मेरे प्रेसिडेंट बन के आएंगे। अच्छा, तो आया जुले। हाँ बोलिए बोलिए। तो शुरू में 10-15 दिन हम उनका कांटेक्ट में थे, बात कर रहा था। उसके बाद मैंने उनके साथ डीपली बातचीत करना शुरू किया। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि अगर इंडिया का डेमोक्रेसी दोबारा आना है, जेपी जिंदा रहना है। अच्छा, जब आएगा। देवसाम जी, आपने आपका लेख में आपने लिखा कि उस समय जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी ऐसा कहा था कि वो भारतवर्ष के सबसे बड़ा देशद्रोही, शत्रु नंबर एक, एक नंबर शत्रु, एनिमी नंबर वन। फिर भी आप जैसे कहा, लोगों का मौलिक अधिकार नहीं थे, फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, संविधान के बारे में जितने सारे मौलिक अधिकार है हर नागरिक का संविधान में, वो तो नहीं था। फिर भी आपने दो उदाहरण दिया। अगस्त 75 में जब जयप्रकाश नारायण भूख हड़ताल में जाने के लिए तैयार थे, आप उनसे निवेदन किया, आप उनसे अनुरोध किया कि आप मत जाए, मत कीजिए, भूख हड़ताल मत कीजिए। और फिर उसी साल 75 साल में नवंबर महीना में आप जयप्रकाश नारायण को मुंबई का जसलोक अस्पताल में आपको उनका भर्ती किया। उस समय जयप्रकाश नारायण जी, बाद में आप जानते हैं, उनका किडनी फेलियर हुआ था। उसी समय किडनी के लिए आप उनका इलाज के लिए मुंबई जाने का मदद किया। और बाद में नवंबर 77 में जयप्रकाश नारायण आपको एक व्यक्तिगत चिट्ठी भी लिखा, आपको तारीफ किया, एक तरह से आपको कहा कि उनका बेटा नहीं था, आप उनका बेटे की तरह थे। तो इस जो ये जो घटना हुई थी, इसके बारे में और कुछ आप बताइए। मैं अभी कह रहा था आपको कि हिंदुस्तान में अगर डेमोक्रेसी दोबारा आना है, जनतंत्र दोबारा आना है, जेपी जिंदा रहना है, तो मैंने ये फैसला कर दिया था कि मैं जो भी ड्यूटी करना है वो तो कर लूंगा, मगर वैसे मैं कार्रवाई करूंगा कि जेपी यहाँ से जिंदा बाहर जाए और लड़े और हिंदुस्तान को दोबारा वो डेमोक्रेसी बनाए, जनतंत्र बनाए। तो इसलिए मैंने तभी बड़ा केयरफुली उनको मॉनिटर करता था। हर दूसरे दिन उनको जाके मिलता था, 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के बात करता था, कई चीज़ें डिस्कस करता था। तो उस टाइम पे कई डेवलपमेंट्स आउटसाइड हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, पार्लियामेंट ने कोई रेजोल्यूशन पास किए हैं, कानून अमेंडमेंट किए हैं, उसको ये इंदिरा गांधी जो है जो डिक्टेटरशिप को स्ट्रेंथन कर रहे थे, तो उनका जो है भरोसा कम हो रहा था जेपी का कि इंडिया कभी भी दोबारा डेमोक्रेसी बन सकता है। तो उसने चिट्ठी लिखा इंदिरा गांधी को, लंबा चिट्ठी लिखा कि ठीक है, मेरा भरोसा तो खत्म हो चुका है, मगर आप 15 दिन के अंदर एक इमरजेंसी को विड्रा करके सारे पॉलिटिकल लीडर को अगर वो रिलीज ना करें, मैं वो भूख हड़ताल में जाऊंगा मरने तक। तो जेपी को तो आप पता है बड़ा आइडियल आदमी है, एक दफा कर लिया तो बस हो गया। तो मैंने सोचा था उस टाइम पे, इमीडिएटली दो सीनरी मेरे सामने आई, एक तो इमरजेंसी ये भूख हड़ताल में जाके मर जाए, इमरजेंसी को यूज करके उसका सप्रेस कर ले, एक तो एक तरफ से वो भी बहुत खतरनाक चीज है, दूसरा पूरा हिंदुस्तान जो है आग जलाए, बिहार में यूपी में जेपी बड़ा लीडर था, इंडिया का पूरा आग आग जला जल भी सकता था, पर्टिकुलर यूथ का। मैंने कहा दोनों इंडिया के लिए ठीक नहीं है, इमरजेंसी तो रहेगा पूरा, 10 साल तो नहीं रह सकता है, 10 महीने रहेगा, 20 महीने रहेगा, उसके बाद तो लड़ना ही तो पड़ेगा। इसलिए मैंने जाके बैठ करके 2 घंटे बड़ा बड़ा वेरी हॉट डिबेट हुआ हमारे साथ। मैंने फाइनली वो मान नहीं रहा था, फाइनली कहा था जेपी यू आर ए कवर्ड, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम फाइट, रिकंसिडर। चार 5 मिनट ऐसे बैठे रहे बात में, कहता है ठीक है, तो चिट्ठी मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि तुमको विड्रा कर लो, अब रुको फाड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पॉकेट में रखा हुआ था, मैं चिट्ठी भेजा नहीं था उनका, चिट्ठी को मैंने इंदिरा गांधी को भेजा नहीं था, मैं सोचा कि उनके सामने उसको फाड़ दिया। दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस को उनका जो है जिंदगी जो बचा है। सेकेंड इंस्टेंस जो है,
हमने उसके बाद रिकनसिलिएशन, सी मेन प्रॉब्लम, मैं इमरजेंसी कंटिन्यू करना नहीं चाहता था, कई लोग नहीं चाहते थे, बहुत अच्छे लोग थे उनको नहीं चाहते थे, वो नहीं बोल पा रहे थे, मैं अच्छे सिचुएशन में था, मैं कुछ कर सकता था, तो मैंने कोई रिकनसिलिएशन इंदिरा गांधी का और जेपी का रिकनसिलिएशन करने के लिए कुछ एफर्ट्स लिए, और उसमें मुझे एक फ्रंट के थ्रू जो है ज्ञानी जेल सिंह का मदद मिला। ज्ञानी जेल सिंह को हमने बात करके उन्होंने कॉन्टेक्ट किया शेख अब्दुल्ला तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनका जो रिलेशनशिप इंदिरा गांधी के साथ भी अच्छा था, जेपी के साथ भी अच्छा था, तो हमने उनको शेख अब्दुल्ला को कहा कि आप एक स्टेटमेंट इश्यू करो। उन्होंने स्टेटमेंट इश्यू किया कि इंदिरा गांधी जेपी जो है वो क्लैश नहीं होने चाहिए, दोनों बैठ के बात करना चाहिए, जेपी हैज बीन ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जेपी इज लाइक ए फादर फिगर फॉर इंदिरा गांधी, तो आई एम विलिंग टू इंटरवीन। तो उसको स्टेटमेंट लेके मैं जेपी के पास गया, सर शेख अब्दुल्ला ने ऐसे स्टेटमेंट दिया है, वो पढ़ा है, मुझे उठा के दिखा, आपने करवाया होगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे हाथ भी था। तो उन्होंने वो सोच करके, काफी सोच करके एक हफ्ते के बाद वो एक चिट्ठी जवाब लिखा शेख अब्दुल्ला को एक्सेप्ट करके, कुछ कंडीशंस भी लगाया, आई एम विलिंग टू, आप आइए बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये हुआ, हाँ या हाँ देवस हम जी थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। हाँ हमारा अभी आज 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 उस समय 45 साल पहले जो स्थिति था आज के साथ कैसे हम तुलना कर सकते हैं? इसको थोड़ा एक मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, आप खत्म कर, उसको स्टार्ट करके रिकनसिलिएशन शुरू हुआ, उसको आगे और भी लोग आए, पीएन दर ने उसमें इंटरव्यू किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, और भी इंग्लैंड से एक लॉर्ड फेनर ब्रोक हुए एमपी ने इंटरव्यू किया। रिकनसिलिएशन का तो बात चल रहा था उस टाइम को, हेल्थ बहुत डिटेरियर हो रहा था, बिकॉज उसको सब अटैच किया गया था, रिकनसिलिएशन को सब अटैच किया करके, नाउ जेपी का हेल्थ बहुत डिटेरियर हुआ नवंबर पहले हफ्ते, उसी टाइम में मैंने प्लान करके कई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर को मैसेज भेज करके जेपी को रिलीज करवा करके, वो बड़ा जल्दी उसको मुंबई भेजवा करके उनका जो एडमिट करवा करके उनकी किडनी को बचाया। उसके बाद वो 4 साल जिंदा रहे, उसी की वजह से वो इमरजेंसी को लड़ करके इमरजेंसी को हरा सके। अच्छा देवेशम जी, आपने जैसे कहा कि मार्च 77 में जब जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीत के आए हैं, उस समय 330 लोकसभा सदस्य थे जनता पार्टी का, और उस समय लोकसभा में 542 सांसद थे, फिर भी हमारा जो कहना है कि आप जैसे लोग आप बार बार कहते हैं कि इसीलिए वो चुनाव के लिए मार्च 77 के लिए भारतवर्ष में लोकतंत्र अभी भी हम कह सकते हैं हम एक लोकतंत्र में है। मगर अब उस समय से अगर आज के साथ आप क्यों तुलना कर रहे हैं, आप इंदिरा गांधी के साथ नरेंद्र मोदी को क्यों तुलना, आपातकालीन समय में 1,00,000 से ऊपर लोगों को आपने जेल के अंदर डाल दिया था, दे वर प्रिवेंटिव डिटेंशन, आप निवारक निरोध कर दिया, आप ऐसा कानून किया मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आज तो ऐसा कानून नहीं है, फिर भी आप क्यों ऐसे तुलना कर रहे हैं? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो आज का हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने कहा कि आज के दिन 45 साल पहले एक परिवार उनका लालच के लिए, उनका क्षमता का लालच के लिए, ग्रीड फॉर पावर, इसीलिए आपातकालीन स्थिति का घोषणा किया। ऑन दिस डे 45 years ago, वन फैमिली ग्रीड फॉर पावर लेड टू द इम्पोजिशन ऑफ द इमरजेंसी। फिर उसके बाद अमित शाह ने कहा कि रातारात पूरा देश को एक कारागार बन गया, द नेशन वॉज टर्न्ड इनटू अ प्रिजन, एक जेल बन गया, प्रेस, अदालत और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता सब लोग भूल गए थे, द प्रेस, कोर्ट्स, फ्री स्पीच, ऑल हैव बीन ट्रैम्पल्ड ओवर, अट्रोसिटीज वर कमिटेड ऑन द पुअर एंड द डाउनट्रॉडन। अमित शाह जी कह रहे कि आप जो गरीब है, जो कमजोर है, इनको आपने अत्याचार किया, और बहुत लाखों लोग विरोध किया आपातकालीन के लिए, इसीलिए आज हमारे देश में हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। मगर उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस का आलोचना किया कि
कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र नहीं है. डेमोक्रेसी वॉज रिस्टोर्ड इन इंडिया बट इट रिमेन्ड एब्सेंट इन द कांग्रेस. ये अमित शाह कह रहे हैं. एंड द इंटरेस्ट ऑफ वन फैमिली prevailed over party and national interests. The sorry state of affairs thrives in today's Congress. To ye Amit Shah ji ka kehna hai. To aaj Bharatiya Janata Party mein Amit Shah ji aur Ram Madhav ji bhi us samay kaha, he is the national general secretary, jo rashtriya sachiv hai Bharatiya Janata Party ka, wo bhi bola ki Vidya Charan Shukla Hitler ka wo Goebbels ki tarah hai. देवकंद बरुआ जब कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, एक तरह से हिटलर को हाइल हिटलर कहते हैं, उसी एक तरह से नारा है. संजय गांधी एक सुपर प्राइम मिनिस्टर था. तो आज भारतीय जनता पार्टी का मंत्री और प्रवक्ता इस विषय के ऊपर बहुत कुछ कह रहे हैं. आप जैसे व्यक्ति, आज आप सामाजिक कार्यकर्ता है, आप क्यों तुलना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच? बहुत अच्छा सवाल किया है. मैं तो उस टाइम पर भी इमरजेंसी को कटर अपोज किया है और मैंने बहुत आर्टिकल्स लिखा है और पार्टिसिपेट भी किया है कई इवेंट्स में. अभी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दोनों को एक्सपीरियंस किया है. उस टाइम पे हमारा जनतंत्र को जड़खा तरीका से काटा गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर कर दिया और मिसा को ला दिया, काट दिया, और कई लोगों को कपड़ा हफ्ता 10 दिन के अंदर 1 लाख से ऊपर लोगों को गिरफ्तार कर दिया और डर पैदा कर दिया. वो तो जड़ का. पिछले 5-6 साल से ये हो रहा है कि हलाल हो रहा है. हिंदुस्तान का जो जनतंत्र है हलाल हो रहा है. स्लो किलिंग. कानून का कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ, कोई कानून नहीं बनाया अंदर गिरफ्तार करने के लिए, अंदर डालने के लिए. तो पहले वाला जो जबरदस्त कानून है उससे मिसा से ज्यादा जबरदस्त कानून है सेडिशन. तो सीआरआईपीसी में सेडिशन केस है. मासूम बच्चों को, स्टूडेंट्स को, औरतों को, सबको सेडिशन सेडिशन सेडिशन. एक लफ्ज बात कर लिया मोदी के बारे में या अमित शाह के बारे में या योगी आदित्यनाथ के बारे में, सेडिशन केस अंदर डालो, बेल नहीं मिलेगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट. ये सारे हो रहा है, कई साल से हो रहा है. ये 2 साल से ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और ये जो नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एनआरसी इशू होने के बाद कितना कितना अन्याय किया है पूरे हिंदुस्तान में. बिल्कुल जरूरत नहीं है. सिर्फ 40-50 हज़ार जो रेफ्यूजीज हैं जो बाहर से आए हैं उन्हें सिटीजनशिप देना है, बड़ा आसान से कर सकते हैं. गवर्नमेंट के लिए एक हफ्ता का बात है. कोई कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं, कोई एनआरसी बनाने की कोई जरूरत नहीं. बनाया क्योंकि लोगों को दबाने के लिए, एक कम्युनिटी को बिल्कुल दबाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए बनाया है. उसके बाद ये सारे चल रहा था कई दिन से, सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया. इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन चलाया हमें सब पता है, हम अभी नहीं, टाइम नहीं हमारे पास, बोलना चाहते हैं. सारे सीएजी को क्या हालत में, हाई कोर्ट्स को क्या, सुप्रीम कोर्ट वगैरह को क्या हालत बनाया. ये सारे जो है एक दो लोग इंडिया को राज कर रहे हैं. उस टाइम एक फैमिली था, अभी 2 लोग है, इतना ही फर्क है ना. अभी जो ये जो पैंडेमिक आया, ये जो कोरोना वायरस आया, ठीक है, बहुत महामारी आए हैं, महामारी आए हैं, बहुत दुर्भाग्य. मैं आपको रुक रहा हूँ. आप कह रहे हैं उस समय इंदिरा गांधी जो 19 महीना या 21 महीना जिस तरह से लोगों का मौलिक अधिकार खत्म कर दिया, एक तरह से झटका, मगर आज एक हलाल की तरह आहिस्ता आहिस्ता एक एक लोगों का जो नागरिक का जो मौलिक अधिकार ये कम हो रहा है. अब साथ साथ कह रहे हैं CAA जो नागरिकता का जो कानून का जो संशोधन हुआ था, और फिर आप एक कम्युनिटी का नाम करें, ये आप मुसलमान का नाम नहीं किया मगर सचमुच लोगों को मालूम है आप कौन सा कम्युनिटी के बारे में कह रहे हैं. तो फर्क क्या है? अभी भी मुझे उस समय मोदी जी कहेंगे, आपका अमित शाह कहेंगे, हमारे प्रेस वालों, आप जैसे व्यक्ति आप कुछ भी कह सकते हैं, ये तो कह रहे हैं बार बार. तो फर्क क्या है देवसायन जी? इंदिरा का इमरजेंसी में ये कम्युनिटी के खिलाफ हमला नहीं था. जो सफर करा, जो हुआ पूरा हिंदुस्तान को हुआ, सारे मुल्क को हुआ, सारे पॉपुलेशन को हुआ है. इस टाइम पे आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर हमला कर रहे हैं, जैसे जर्मनी में हुआ था ज्यूज के खिलाफ, वो बिल्कुल गलत बात है. हिंदुस्तान जो है डाइवर्सिटी में जिंदा है, यूनिटी में जिंदा है. यूनिटी मतलब आर्टिफिशियल यूनिटी जैसी नहीं है, डाइवर्सिटी से यूनिटी बन रहा है.
सब कम्युनिटी, सब रिलीजन, सब कल्चर, सब लैंग्वेज इकट्ठा रहे, उसको डिवाइड करने के लिए उन्होंने कोशिश की, उस कम्युनिटी को इंडिया का दुश्मन बनाने के लिए कोशिश की। 18-20% उनका जो पॉपुलेशन है, दूसरा कम्युनिटी का भी शुरू किया है, इतना ज्यादा नहीं किया है वो, उसका और इसका फर्क है, बहुत अंतर है दोनों का। अच्छा देख जी, आप जवाब दीजिए। आज एक लेख आए हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, जहां पे राम माधव जी ने यह भी कहा कि उस समय संजय गांधी ने इस्लामोफोबिया यानी कि मुसलमान के खिलाफ लोगों को डरा दिया था। उस समय नसबंदी के बात हो रहे थे, नाम नहीं किया मगर नसबंदी का बात चल रहे थे। आप कह रहे उस समय इंदिरा गांधी को संविधान में जो हर नागरिक का जो मौलिक अधिकार है ये खत्म कर दिया। आज एक महामारी के समय से हम लोग गुजर रहे हैं, और सरकार जो कानून का इस्तेमाल किया है, एक है 1897 का एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, जब महामारी को रोग को रोकने के लिए उसी समय ब्रिटिश समय का, और एक और है डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन का कानून जो है 2005 का। तो फर्क तो काफी है ना? फर्क काफी नहीं है, बाहर से तो फर्क नजर आएगा। तो संजय गांधी ने कुछ बेवकूफी किया था, मगर उनका बेवकूफी जो है नसबंदी जो आप कह रहे हैं सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नहीं था, पूरे हिंदुस्तान के, इसलिए तो इलेक्शन वो मेन बात था जो इलेक्शन वो हरे 77 में, तुर्कमान गेट में जो हुआ था वो कुछ मुसलमान कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट था, वो सिर्फ दिल्ली का एक इवेंट था, तो पूरा हिंदुस्तान में मुसलमान के खिलाफ वो कोई नहीं था। ये जो है पूरा मुसलमान के खिलाफ, CAA जो NRC जो है सारे के सारे पूरा ही मुसलमान के, उनका टर्मेट कह रहे थे, उनको टर्मेट कह रहे थे, दीमक कह रहे थे ना, दैट इज नॉट द वे। तो वो तो ये पैंडेमिक के पहले था ना, क्या हुआ 24 मार्च 2020, तो मेरे जान ये है कि ये जो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी लेवल में साइंटिस्ट लेवल में डिस्कस करके 23 को 22 को उन्होंने ये फैसला किया है, उसके में सिर्फ 500 केस था कोविड केस, कोरोना के सिर्फ 500 था, 10-15 लोग मरे हुए थे, उन्होंने ये डिसाइड किया है ये 500 केस जो है 75 डिस्ट्रिक्ट में है, चार बड़े सिटीज में 75 डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए उन्होंने सोचा ये 75 डिस्ट्रिक्ट को लॉकडाउन करें, अंदर से बाहर जाने का बंद करें, इंटरस्टेट बंद करें, वो फैसला होकर के अखबार में आ गया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने वो लॉकडाउन शुरू कर दिया था, 2-3 दिन पहले शुरू कर दिया, जिसको ये सब शुरू करके ये एक्सपर्ट्स ने वही जो एडवाइस दिया है, कुकूनिंग करो, बुढ़ो लोगों को सेग्रीगेट करो और यंग बच्चे को सेग्रीगेट करो, बाकी यंग पीपल हेल्थी पीपल है वो काम करने दो। हमारा जो अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर था, अगर अर्थव्यवस्था स्ट्रांग नहीं है हम कोई चैलेंज मीट नहीं कर पाते, ना चाइना का चैलेंज मीट कर पाएंगे, ना कोरोना वायरस का, अगर इकोनॉमी तो बड़ा कमजोर होते, हम इकोनॉमी को खत्म करना नहीं चाहिए था। तो 24 को जो उन्होंने जो पूरा हिंदुस्तान का जो लॉकडाउन अनाउंस किया, कर्फ्यू लैंग्वेज उन्होंने जो यूज किया है, कर्फ्यू मेरा आर्टिकल में लिखा है, कर्फ्यू लगा दिया, मतलब भयंकर कर्फ्यू, जैसे कश्मीर में कर्फ्यू था लगा करके 130 करोड़ों का बंद करके, तो उनके पास जो इकोनॉमी को जो खत्म किया वो तो बहुत बुरा चीज है। अभी जो हम किस चीज से लड़ेंगे, हमारे पास क्या हथियार है, इकोनॉमी सारे मरे हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है 35-40% हो गया है, और उसके बाद माइग्रेंट्स का जो हुआ है वो बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग देखा है, इसलिए मैंने मेरे और उसके बाद यही वजह एक बात, तो ये जो लॉकडाउन जो हुआ है जो अनाउंस हुआ है 26 मार्च 12 तारीख रात को, पूरा 130 करोड़ लोग हाउस अरेस्ट में चले गए, हाउस अरेस्ट, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे लोग दूध लेने के लिए बाहर आए, पुलिस मार रहे उनको, उसके बाद तो जो हो गए लोग मर रहे, 2 दिन पहले या अभी तक ये चल रहा है तमिलनाडु में तूतुकुड़ी के पास कोयलपट्टी में, एक दुकान को खोल के रखा था एक गरीब दुकानदार ने, उनको पुलिस को ले जा करके उसको मार करके खत्म कर दिया पुलिस स्टेशन में। अच्छा देव साहब, दिल्ली में भी क्या नहीं हो रहा। अच्छा देव सुमन जी, आपने कहा कि आज के दिन में जो सरकारी संस्था है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, सरकार सारे बेचने चाह रहे, निजीकरण करने चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन, जो श्रम कानून है, लेबर लॉज है, ये भी खत्म करने चाहते हैं,
आपने ये भी आलोचना की कि पीएम केयर्स फंड, उसमें सब लोग को बोल रहे हैं इसी में आप अपना पैसा दान करो। आप ये भी टिप्पणी किया कि जो दिल्ली में जो हमारे सांसद का जो जो सेंट्रल विस्टा है जो नया बनाने चाहते हैं 20,000 करोड़ खर्चा करके, इसका भी आपने टिप्पणी किया। अब साथ साथ कहा कि जैसे आईएएस अधिकारी थे आपके मित्र, मेरा मित्र, मेरा समसामयिक हर्षमंदर, उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे कि जो भी सरकार का आलोचना करेगा, जो भी सरकार का कुछ निंदा करेगा, टिप्पणी करेगा, उसके खिलाफ सरकार इनके हमला कर रहे। फिर भी मेरा सवाल और कुछ है कि इंदिरा गांधी तो इन लोगों को जेल के अंदर डाल दिया था, इन लोग तो अभी भी जेल नहीं है। आप कह रहे उस समय भी हमारे जो 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 जुडिशरी थे, हमारे जो कानून व्यवस्था थे, हमारे जो न्याय न्यायालय थे, वो भी थोड़ा बहुत एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया था, कमजोर हो गया था। आप 45 साल जो स्थिति था और आज के साथ अब कैसे आप तुलना कर सकते हैं? बार बार घूम फिर के वही सवाल मैं आपके पास लेके आ रहा हूं। इसलिए तो मैं कह रहा था कि इंदिरा गांधी जी ने तो जड़खा किया है, अभी हलाल कर रहे हैं। तो हालात ये है कि गवर्नेंस बाय फियर एंड फोर्स, धक्काशाही और डर पैदा करना, लोग हमेशा डरते फिरते रहे। डिमोनेटाइजेशन किया है, लोग डरते फिरते रहे, अपना पैसा अपना हाथ में नहीं है, डरते फिरो। सीएए डरते फिरो, गवर्नेंस बाय फियर, मैं आर्टिकल लिखा है, डिटेल पेपर भी लिखा है, गवर्नेंस बाय फियर एंड फोर्स साइकोलॉजिकल, हलाल हलाल, डरते डरते आप नमस्कार करते चलो, इससे अच्छा है मरना। सी द क्वेश्चन इज, मिसा एक लाख करीब लोगों को अरेस्ट किया है मिसा में, ठीक है, सफर किया है, ठीक है, मगर अभी जो है 130 करोड़ को हाउस अरेस्ट कर रखा है, पिछले चार महीने से 130 करोड़ लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखा है, कुछ नहीं कर सकता है, अपना आमदनी चुका नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते, बेसिक राइट टू लाइवलीहुड इज गॉन, ये सारे क्या है? ये तो मेरे ख्याल में, इसलिए तो कह रहा हूँ हलाल जो अभी चल रहा है ये जड़का से ज्यादा खतरनाक है। अच्छा देव साहब जी, आपने एज फॉर एज पब्लिक सेक्टर उसको बात करना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आत्मनिर्भर कहा, उसके दूसरे दिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन तो अपना पैकेज रिलीज कर रहे हैं, उसमें रिवाइव करने का पैकेज करना चाहिए था, स्मॉल सेक्टर को, एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने का, वो तो लिस्ट पड़ा रही है कि हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे, इसको प्राइवेटाइज करेंगे, इसको प्राइवेटाइज करेंगे, इसको दे देंगे, उसको दे देंगे, ये क्या रिफॉर्म है, ये कोई टाइम है ये? तो मेरे विचार में, मैं तो अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ हूँ, वो भी 50s में हिंदुस्तान के साथ, आई हैव ग्रोन विद द कंट्री एंड आई हैव ग्रोन विद इंडियाज इकोनॉमी, तो आई नो पब्लिक सेक्टर नेहरू ने क्यों लाया, वो तो हमारा पैर है, पैर, पब्लिक सेक्टर इज अवर लेग्स, प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस ऑन बेसिक थिंग्स विदाउट मेकिंग प्रॉफिट, तो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। और उसको पैर को काट के कहते हैं आत्मनिर्भर खड़ा करो, आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? यू हैव टू स्टैंड ऑन योर फीट। मैं आपको रोक रहा हूं, मैं एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पहला बात है, ये जो सरकारी संस्थाओं का जो सुधर के बात है, निजीकरण के बात है, आज से नहीं, ये मनमोहन सिंह का सरकार भी किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी किया था, तो ये उसमें नया क्या है कि ये सरकारी संस्था ठीक तरह से नहीं चल रहे, अगर कोई निजी कंपनियां ले लेते हैं तो लोगों के लिए अच्छा होगा, ये उनका जो भी है, इनका उनका विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। अच्छा, और आगे बढ़िए, ये नोटबंदी के बाद आपने किया, तो क्या हुआ नोटबंदी के बाद? नवंबर 2000 नोटबंदी, अभी कितना साल हो गया, देखिए अभी टुडे इज वी आर इनटू 20, तो ठीक है अभी 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 तक 4 साल नहीं हुए हैं, फिर भी जब 2016 नवंबर में नोटबंदी किया, फरवरी 2017 में उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत के आए, 2019 में मोदी जी दोबारा चुन के आए हैं, तो आप इनका टिप्पणी कर रहे हैं तो इसका क्या फर्क पड़ रहा है भारतवर्ष के राजनीति के ऊपर या अर्थनीति के ऊपर?
मैं तो ये इलेक्शन सिस्टम को काफी डिटेल में स्टडी किया है. आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय दिस विनिंग द इलेक्शन. उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता है बिकॉज ये अभी तो बड़ा लंबा हो जाएगा, घंटे लग जाएगा. दूसरा, यूपी में जो जीता है उसका टाइम पे लोगों को मालूम नहीं था डिमोनेटाइजेशन का, तो गरीब लोग सोचे थे अमीरों को मार रहे हैं. उनको बाद में मालूम हुआ है कि एक अमीरों को बचाने के लिए ये डिमोनेटाइजेशन किया है. तो डिमोनेटाइजेशन जो है, मैंने उस टाइम पे लिखा है, मैं एक एनालॉजी दिया है, कंपैरिजन दिया है कि 86% का जो हिंदुस्तान को खून को निकाल करके डायलिसिस मशीन में डाल दिया, उसके बाद हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी जो है आर्टिफिशियली चले आ रहे हैं. उसके बाद जीएसटी आया, मैं डिटेल में जाना चाहता है. मगर अभी जो है ये जो हाउस अरेस्ट 100% थ्रू द कंट्री लॉकडाउन कर्फ्यू लगाने से इकोनॉमी तो खत्म हो चुका. ऑन द वर्ज ऑफ किसके लगा करके जरूरत क्या था. तो उसमें प्राइवेटाइजेशन जो है ये कोई टाइम है. सी, मनमोहन सिंह किया है, वाजपेयी जी किया है, मैंने उस टाइम भी उनको आलोचना किया है, काफी सख्त मैंने आर्टिकल लिखा है क्रिटिसाइज करके. बल्कि मनमोहन सिंह को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो भी चंडीगढ़ का थे, दोस्त नहीं कर सकता है, वो तो इसीलिए तुम्हें तो जानता हूँ. काफी मैंने क्रिटिसाइज किया है, इट्स नॉट दैट सिर्फ मोदी साहब ने किया है, मैंने क्रिटिसाइज किया है, तो शुरू से मैं कर रहा हूँ. अच्छा ठीक है, पब्लिक सेक्टर. देवसाम जी, मेरा आखिरी सवाल है, माय लास्ट क्वेश्चन, और आप पूरा जो 45 साल पहले जो हुई थी, आज जो हुई थी, आखिरी आपका जो फाइनल, जो आखिरी जो आपका जो भी टिप्पणी है, जो भी आप विश्लेषण कर रहे हैं, व्याख्या कर रही है, आप बताइए. उस समय आपका एक लेख में पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक महिला क्लेयर स्टर्लिंग, इन्होंने इंदिरा गांधी के बाद साक्षात्कार करने के बाद उन्होंने एक लेख लिखा था, रूलर ऑफ 600 मिलियन एंड अलोन, कि 60 करोड़ लोगों का वो एक तरह से शी इज द हेड, शी इज द रूलर, वो रानी है भारत मगर अकेला. आज हमारे देश में लोकसंख्या 60 करोड़ से 130 या 135 करोड़ हो गए. आप क्या समझते हैं, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अकेला है? मैं तो यही समझता हूँ, बैठ करके अपना अधिकार चला रहे हैं. लोगों के मन में जो क्या चल रहा है उनको पता नहीं है. कुछ लोग उनके साथ है, वो तो सोशल मीडिया पोस्टिंग लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, बाकी उनकी गाली निकालते हैं, कहते हैं जो ये कह रहे हैं वो तो ठीक है, मन में क्या है वो तो अभी किसने कोई जाना नहीं है. तो मेरा दुख ये है इन लोगों के बारे में, इमरजेंसी के खिलाफ जो लड़ रहे थे उस टाइम पे, इन्हीं का बीजेपी का उस टाइम पे तो जनसंघ था, वो लड़ रहे थे इमरजेंसी के खिलाफ, ठीक जेन्युइनली लड़ रहे थे, नए लड़ रहे थे, मुझे नहीं पता. अभी जो अभी भी जिंदा है उनका लोग, अद्वानी साहब है अभी भी जिंदा है, अभी और लोग भी काफी जो उस लड़ाई में थे, अपना अरुण जेटली साहब थे, वो तो मौत हो चुका है उनको, और भी कई लोग अभी भी जिंदा है, बट वो पार्टी में इम्पोर्टेंट नहीं है. अद्वानी साहब पता नहीं कहाँ गए. ये लोग अभी जो सरकार चला रहे हैं वो उसी का क्लेम कर रहे हैं, हमने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ा है, हम जेपी के साथ था, मगर वो कर रहे हैं कि इमरजेंसी में जो हो रहे हैं उससे ज्यादा अन्याय कर रहे हैं. जो जेपी ने जो स्टैंड लिया है, जेपी जिसके लिए वो उन्होंने जो वो अपना अपना जीवन ध्यान दिया है, उसको बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं. जेपी ने मेरे साथ काफी डिटेल में डिस्कस किया है, उन्होंने कश्मीर के बारे में मेरे से क्या कहा मुझे पता है, उसने वो आरएसएस के बारे में मेरे साथ क्या कहा मुझे पता है, ये हिंदुत्व के बारे में मेरे से क्या कहा वो मुझे पता है. ये सारे जो उनका जो विचार के खिलाफ बिल्कुल सारे ऑपोजिट ये कर रहे हैं. मेरा दुखी तो ये है, मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है. ये लोग अगर इमरजेंसी को फाइट करके डेमोक्रेसी का अगर वो अगर ट्रेडिशन लेगेसी करते हैं, वो बिल्कुल पूरा फुल फ्रीडम होना चाहिए. अच्छा, फुल मतलब डिसेंट, दे मस्ट रेस्पेक्ट डिसेंट, दे आर नॉट रेस्पेक्टिंग एनी डिसेंट. आपने कहा था हर्ष मंदिर के बारे में, मैं बात हर्ष मंदिर को मैं 20 साल से जानता हूँ. हर्ष मंदिर आई एस में थे, मेरे से काफी जूनियर थे, वो रिसेन किया है तो गुजरात में, तो 2002 में जो जो हुआ था इंसिडेंट हुआ था, जो गुजरात का दंगा, हिंदू मुसलमान कत्लेआम हुआ था, हर्ष मंदिर उस टाइम पे रिजाइन करके, इतना करेजियस आदमी था, वो खुद गया गुजरात इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया, आकर के मैं अभी भी याद है, तब से मैं उनका एडमिरल बन गया. आर्टिकल लिखा है उसने यूज किया है,
What happened in Gujarat is pogrom. Pogrom. Pogrom is what Nazis did in Germany. वो आर्टिकल लिखा है तब से वो अपना एक्टिविटी कर रहा है, फाइट कर रहा है. उसको अभी अभी भी बच्चों को ये कहा है इसी स्ट्रगल में कि आप अहिंसा से लड़ो. उनको भाषण सारे मैंने पढ़ा. कुछ लोग कहते हैं गिरफ्तार करना चाहते हैं ये लोगों को धंधा. देवसाम जी, देवसाम जी, मैंने गलत चीज से चल रहा है. देवसाम जी मैंने कहा आपको कि मैं आखिरी सवाल पूछ लिया, फिर भी एक सवाल और हमारा मन में आ गया, एक और सवाल पूछ लेता हूँ. आज जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति कहाँ है? कोई है नहीं. भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार का विरोध करने के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं. हमारे जो विरोधी दल है तो वो इकट्ठा नहीं काम कर रहे हैं. और सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं जो मोदी जी ने एक व्यक्तिगत कर दिया, भारतवर्ष का राजनीति व्यक्तिगत, मैं बनाम राहुल गांधी. मगर ठीक है, अगर राहुल गांधी जयप्रकाश नारायण नहीं बन पाएगा, कौन है जो जयप्रकाश नारायण का जगह ले सकते हैं आज के जमाना में? जो जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति थे, जो बाकी सारे आपको याद है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आपातकालीन स्थिति को समर्थन किया, फिर बाद में उन्होंने विरोध किया. भारतीय जनता पार्टी एक साइड में, एक साइड में वाम दल है. हमें याद है वो रामलीला मैदान में एक दिन ज्योति बासु इंदिरा गांधी, एक दिन एक उसका दाएं हाथ में अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी और बीच में बाबू जगजीवन राम और आपका हेमवती नंदन बहुगुणा वगैरह वगैरह बहुत लोग थे. आज तो वो स्थिति नहीं है. हमारे जो विरोधी दल है एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं. आप बंगाल में देखिए, महाराष्ट्र का कहानी और कुछ है. The opposition is deeply divided and there is no JP today. Your last words. आपने बहुत अच्छा सवाल किया है. तो हम हमेशा जो है महात्मा गांधी जेपी से लोग मिल नहीं सकता. They are the rarest of rare gems. आपको नहीं मिलेगा ऐसे. महात्मा गांधी could have become the prime minister next day. He said no. मैं लोगों के साथ रहना चाहता हूँ. इसको तो मार दिया. जयप्रकाश नारायण को भी कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे, प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे. उन्होंने कहा नो, आई वांट टू बी विद द पीपल. बट उन्होंने सैक्रिफाइस किया है. बट द क्वेश्चन इज, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना हमेशा पावर मांग रहे, वो पावर के लिए जिंदा है. राहुल गांधी भी पावर में आना चाहता है. ये इसलिए वो जेन्युइन लोगों को सर्विस करेंगे. तो अभी हमेशा आपको जेपी और महात्मा गांधी नहीं मिलेगा, मगर सिविल सोसाइटी असर्ट करने का टाइम अभी आ गया है. सिविल सोसाइटी में कलेक्टिव लीडरशिप है. देर आर पीपल ऑल ओवर द कंट्री हु आर फाइटिंग, हु आर टेकिंग अप द कैजल, अपने अपने में लड़ रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली मीडिया जो है इतना स्लेविश हो गया है. लेट मी वेरी ब्लंट, इमरजेंसी टाइम में कम से कम कानूनी खिलाफ मीडिया के खिलाफ एक्शन लिया. अभी मीडिया को खरीदा गया है, एक्सेप्ट ए फ्यू मीडिया, दैट टू ऑनलाइन मीडिया, डिजिटल मीडिया, न्यूज क्लिक जैसे मीडिया जो है कुछ कर रहे हैं. बाकी लोग तो बिल्कुल वो सेवा करना बंद कर दिया. तो इसलिए जेपी नहीं है, मगर पब्लिक के मन में वो जो है फीलिंग्स हैं और लीडरशिप देर है. सिविल सोसाइटी अभी मोबिलाइज करके आना चाहिए. धन्यवाद. उसके बाद सिविल सोसाइटी दबाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप ही पीछे आएंगे. थैंक यू, धन्यवाद देवसायम जी. आपने न्यूज क्लिक को तारीफ किया और समय बताएंगे कि भारतवर्ष के राजनीति, भारतवर्ष की अर्थनीति, हम लोग कहाँ आगे बढ़ेंगे. आपका समय आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया, इसके लिए दोबारा मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. आप देखते रहिए न्यूज क्लिक.